अगर अब तो आपने वो अवार्ड जीत लिया, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में, आज तक ऐसा हुआ नहीं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से यही माइंड था कि बस पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और आई थिंक सो मुझसे ज्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को इस टाइम, और उनका भी इतना नाम रोशन हुआ है तो मुझसे ज्यादा खुशी उन लोग को है, और मुझे इस चीज पे बहुत खुशी है। फातिमा, मुझे लगता है सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं, हम सबको आपके लिए बहुत खुशी है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप एक इतनी छोटी सी एज में जिस तरह यू कम्पीट फॉर पाकिस्तान, अपने सीनियर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलकर जिस तरह आपने फतवा दिलाई हैं पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस में, कभी 5 फर लेके तो कभी 4 फर लेके, जिस तरह की आपकी कारकर्दगी रही है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फातिमा जो कि यंग आने वाली लड़कियाँ आपको ज़रूर देख रही होंगी जो क्रिकेट परस्यू करना चाहती हैं, क्या कहेंगी उनको? बहुत सारी लड़कियां दिल बर्दाश्ताओं के साइड पे बैठ जाती हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती, आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि मेहनत करें, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, और अगर आप छोटी सी भी मेहनत करोगे और आप वो अच्छी नीयत से करोगे तो वो आपकी जरूर कामयाब होगी। तो बस यही है कि अल्लाह पे बिलीव रख के आप मेहनत करते जाओ, बाकी अल्लाह के हाथ में सब। एंड आई रिमेंबर फातिमा, जब आप पहली दफ़ा यहाँ हमारे शो पर आई थी उस वक्त आपने कहा था मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हूँ, ICC का पहला अवार्ड, इमर्जिंग अवार्ड आपको मिल गया है, अब कौन से अवार्ड पे नजर होगी फातिमा सना की? बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बनूं, और यही है कि मैं अपनी टीम को जिता सकूं, और जिस तरह आगे इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को जिताऊं, और अगर मैं कोई इवेंट में किसी चीज में अवार्ड ले सकूं तो मेरी टीम भी ले सके। सो वुमेन वर्ल्ड कप पे अब जब होने वाली है शुरुआत, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग, कोई कुछ टारगेट आपने सेट किया है कि जी ये मेरा टारगेट है और मैंने इसमें ये अचीव करना? जी बिल्कुल, स्टार्ट ले लिया है, और माइंड में यही है कि बस अब जिस तरह का लास्ट में मेहनत करी थी उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बस अभी यही है कि उसी तरह कंसिस्टेंट रहूं, और अभी आगे कैंप्स आ रहे हैं तो उसी में जाके इंशाल्लाह मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, जितनी पास्ट में करी थी उससे ज़्यादा मेहनत करूँ।